हेलो स्टूडेंट, हम आज यहाँ पर करेंगे जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी का जो आपका पेपर हुआ था, ये पेपर आपका सन 2016 में हुआ था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम सीधा यहाँ पर जो है आज अभी उत्तराखंड के सीधा क्वेश्चंस हम पकड़ते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है हम आपका बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम सीधा 60 से आपका जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, यानी 60th नंबर का जो क्वेश्चन है कि रूपकुंड ताल, ठीक है, जिसको रहस्यमयी ताल भी आपका कहा जाता है, तो रूपकुंड ताल आपका कहाँ पे है? रूपकुंड ताल आपका जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इसको कंकाली ताल भी आपका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है, यानी जो पास ऐसा कौन सा है जो पिथौरागढ़ और तिब्बत जो है, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ेगा, वो आपका दारमा घाटी है, या दारमा आपका है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, दारमा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कर स्रोत, ओके, टैक्स में बताना है। विच इज द मैक्सिमम सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ उत्तराखंड स्टेट? तो इसका सही उत्तर है, इसका स्टेट है, इसका जो आंसर है वह है ट्रेड टैक्स, यानी वाणिज्य टैक्स जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है? तो फॉरेस्ट एंड पंचायत ट्रेनिंग अकेडमी जो है वो आपका कहां पे है? वो है हल्द्वानी में। कहां पे है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, हल्द्वानी शहर है, हल्द्वानी शहर में आपका जो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश, हम देखिए उत्तराखंड की हिस्ट्री में चलेंगे अब, तो कत्यूरी राजाओं की राजधानी कत्यूर, जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो पहले जो कत्यूरियों की आपकी जो राजधानी थी वो पहले जोशीमठ आपकी थी, ठीक है, ये आगे पीछे थोड़ा सा क्वेश्चन कर दिया है, तो पहले आपका जो है वो जोशीमठ थी, जोशीमठ के बाद वो कहाँ पे आई? बैजनाथ कत्यूर घाटी में आपका बन के आई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका सही है, अलग ही क्वेश्चन में थोड़ा सा आप फेरबदल जो है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, उत्तराखंड के सर्वाधिक कागज उद्योग, देखिए जो आपका सेंचुरी पेपर मिल है वो आपका कहाँ पे है? लालकुआं में है, तो सबसे बड़ा जो उद्योग है वो आपका कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लालकुआं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का निर्माण आपका कब हुआ? उत्तराखंड का निर्माण आपका 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कमेटी? ओके, ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कमेटी, देखो ब्लॉक किसके अंदर आता है? एसडीएम के अंतर्गत में आता है। किसमें आता है? एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? चंद हमने सब पढ़ा है, सोम चंद से आपकी शुरुआत होती है, ठीक है, लास्ट में आपका महेंद्र चंद तक हम बात करते हैं। तो जो आपका चंद राजा है, चंद राजा आपके कहे हैं, इनका जो चिन्ह है वो आपका क्या है? गाय। क्या है? गाय, इनका आपका राज्य चिन्ह था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह डायलेक्ट, ओके, डायलेक्ट ग्रुप जो है वो आपका कौन सा था? कुमाऊनी है, गढ़वाली है और जौनसारी है, ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक, देखिए ये आपका कौन सा है? सबसे अधिक जो है वो आपके थारू लोग हैं। थारू लोग आपके कहाँ पे रहते हैं? थारू लोग आपके उधम सिंह नगर में रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें, जो कि आपका कौन है? जो कि आपके जौनसारी लोग हैं, जो कहाँ रहते हैं? देहरादून वाला जो पूरा इलाका है उस साइड वो रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कटारमल में मुख्य रूप से किसकी पूजा होती है? ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कटारमल में जो है वो आपका किसकी पूजा होती है? कोसी कटारमल में जो है वो सूर्य भगवान की होती है। ये किसके बारे में हमको बताते हैं? ये हमको शक जो डायनेस्टी है, शक डायनेस्टी के बारे में हमको ये आपका बताते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, ओके, क्वेश्चन नंबर 72 आपका क्या कहता है? कुमाऊं का चाणक्य, ठीक है, क्या है? कुमाऊं का चाणक्य आपका कौन है? एक मिनट, कुमाऊं का चाणक्य जो है ये दीपचंद के टाइम पे आपके आते हैं, ठीक है, दीपचंद आपने चंद्रवंश के राजाओं में पढ़ा होगा, तो ये हर्षदेव जोशी हैं, शिवदत्त जोशी इनके पिताजी हैं, हर्षदेव जोशी जो हैं इनको आपका क्या कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य। एक बार क्वेश्चन ये भी है कि किसके शासनकाल में? तो ये दीपचंद के शासनकाल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 73, कौन सा नगर जो है वो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? ओके, कौन सा है? ऋषिकेश, देहरादून, काशीपुर, नैनीताल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नैनीताल जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल काठगोदाम तक जो है, काठगोदाम तक ही आपकी ट्रेन जाती है, उसके आगे जो है वो पहाड़ी इलाका आपका शुरू हो जाता है, वहाँ पर ट्रेन अभी जो है वो नहीं गई है। हालांकि ये कहा जाता है, ये किंवदंती है कि अगर अंग्रेज लोग कुछ और समय तक रहते तो शायद क्या पता वो नैनीताल तक जो है वो ट्रेन आपका पहुँचा देते। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी आपका जो है फ्रैंक स्मिथ जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, इनने अपनी बुक लिखी थी वैली ऑफ फ्लावर।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि आपका जो है हिमालय परिचय गढ़वाल, ओके, हिमालय परिचय गढ़वाल जो है वो किसने लिखी है? वो आपका लिखी है राहुल सांकरत्यायन ने। किसने लिखी है? राहुल सांकरत्यायन जी ने आपका जो है ये बुक लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मधमहेश्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 आपका क्या कहता है? मधमहेश्वर निम्न में से एक है। मधमहेश्वर आपका किसमें है? पंच केदारों में। हमने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, हमने पंच केदार आपकी बनाई हुई है, पंच प्रयाग आपकी बनाई हुई है, तो वो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ पे लगता है? बैकुंठ चतुर्दशी का मेला जो है वो श्रीनगर गढ़वाल में लगता है। कहाँ पे लगता है? श्रीनगर गढ़वाल में। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है जो दंपत्ति होते हैं वो आपका इस मंदिर में, अगर हम बात करें, ठीक है, कमलेश्वर मंदिर में, वहां पर जाके पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए वो आपका व्रत वगैरह करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओके, बीएल, बीएल आपका कहां पे है? बीएल जो है वो आपका कोटद्वार में है। कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी, कोटद्वार में है। फिर किसे? कुमाऊं केसरी के नाम से जो है वो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं केसरी के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है श्रीयंत्र, ओके, नहीं ये कुछ और है, ये आपका है श्री क्षेत्र, ओके, श्री क्षेत्र या श्रीयंत्र जो है इसका आंसर वैसे ये है आपका, कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो है सी, श्रीनगर गढ़वाल। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको माना जाता है? कालू मेहरा को माना जाता है। इनने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की भी स्थापना की थी 1857 के टाइम पे, इनकी आपकी बातचीत होती है। अगला क्वेश्चन है समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, ये आपका कौन सा था? ये आपका है ऐतिहासिक राजवंश, ठीक है। तो ऐतिहासिक राजवंश जो है वो आपका कौन सा है? कत्यूरी राजवंश। कौन सा है? कत्यूरी राजवंश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडकुल का तात्पर्य आपका क्या है? ओके, क्या है? सिडकुल, सिडकुल जो है इसका ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है? ये नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में है। कहां पे है? ये टिहरी गढ़वाल में, नरेंद्र नगर है वहां पर आपका है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल कहां पर है? डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल जो है वो आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। कहां पर है ये आपका? अल्मोड़ा में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, या इसको एक बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे, इस पे डाउट है इसको हम छोड़ देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर आपका 86, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है जो कि है चमोली गढ़वाल। कौन सा है? चमोली गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम वन महाविद्यालय कहां पे है? एफआरआई देहरादून। कहां पे है? एफआरआई देहरादून। अगला क्वेश्चन, पहाड़ चोर, पहाड़ चोर आपका किसने लिखी है? सुभाष पंत। किसने लिखी है? सुभाष पंत, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, गन्ना सबसे अधिक कहाँ पे होता है? उधम सिंह नगर में होता है। कहाँ पे होता है? उधम सिंह नगर में। चीनी मिले भी आपको कहाँ पे मिलेंगी? उधम सिंह नगर में। अगला है सुसुआ किस नदी की आपकी है? तो सौंग नदी, ऑप्शन नंबर बी, ओके, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तराखंड हिमालय की प्रदेश की कौन सी उसमें सबसे ऊंची है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी 7817, ठीक है। दूसरे नंबर पे कामेट आती है। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी वंश का जो संस्थापक है वो है आपका बसंत देव। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बसंत देव। क्वेश्चन नंबर 91, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ऊपर क्वेश्चन आया था क्रांतिवीर वाला जो है ये कालू मेहरा है, ऑप्शन नंबर ए कालू मेहरा। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी स्थित है, फूलों की घाटी आपकी कहां पे स्थित है? महान हिमालय में। कहां पे है? ग्रेटर हिमालय में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कोडियाला जो है वो किसके लिए आपका है? तो ये आपका जो कोडियाला जो है ये आपका रिवर राफ्टिंग के लिए है। किसके लिए है? रिवर राफ्टिंग के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून पौड़ी, ओके, ये आपका राजाजी नेशनल पार्क है। राजगोपालाचारी के नाम पे आपका जो है इसका नाम आपका जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क आपका रखा गया 3 जिलों में, देहरादून पौड़ी और हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, जागर, जागर में कौन आते हैं? रीजनल जो गॉड्स होते हैं, क्षेत्रीय देवी देवता यहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, मैन ईटर्स ये आपका किसने लिखी है? जिम कॉर्बेट। किसने लिखी है? मैन ईटर्स जो है वो आपका जिम कॉर्बेट ने लिखी है। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है सुदूर संवेदी यानी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग आपका कहाँ पे है? रिमोट सेंसिंग जो है वो देहरादून में है। कौन सा है? देहरादून में।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है बीज बचाओ। बीज बचाओ जो है वो आपका विजय जड़धारी, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो स्टूडेंट आज के हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हो गए। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, आपको कैसे लगे? और ये पुराना पेपर था, ऐसे ही हम यहाँ पे कराते रहते हैं। तो आप पूरी जो प्लेलिस्ट, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप प्लेलिस्ट देखना चाहें, यूके ट्रिपल एससी के लिए अलग बनाई है, यूके पीएससी के लिए हमने अलग बनाई है। तो हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।